उत्तरी इसराइल बॉर्डर से लेबनान का हिजबुल्ला बिल्कुल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। IDF ने हिजबुल्ला के कई बड़े कमांडरों को हवाई हमलों में मार गिराया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिजबुल्ला का हौसला कम नहीं हुआ है, बल्कि अब वो दोगुनी ताकत से इजरायली सेना के ऊपर हमले कर रहा है, जिसका तोड़ फिलहाल इजरायल के पास नजर नहीं आ रहा। हिजबुल्ला का साफ कहना है कि गाजा से इजरायली सेना बाहर निकले तभी ये हमले रुकेंगे। और इस सब के बीच हिजबुल्ला ने एक बार फिर से इजरायल को दो बड़े हमलों से दहला कर रख दिया है। बड़ी बात यह है कि ये हमले 5 मिनट के भीतर हुए, जिससे इजरायल जल उठा है। सबसे पहले हिजबुल्ला ने 8 जुलाई 2024 को शाम करीब 5 बजे जिद्दीन बैरिक्स पर रॉकेटों से हमला किया, जो एकदम सटीक रहा। और इस हमले के करीब आधा घंटे बाद हिजबुल्ला ने कब्जे वाले शीबा फार्म्स के अल राहेब साइट पर गोला बारूद से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। और जब तक IDF इस हमले से संभल पाती, तब तक हिजबुल्ला ने हैगोशरीम सेटलमेंट पर भी कत्यूशा रॉकेट का एक पूरा जत्था ही फायर कर दिया। और इस हमले के बाद मैतुला सेटलमेंट में हिजबुल्ला ने एक बिल्डिंग पर हमला किया। हिजबुल्ला का कहना है कि IDF के सैनिक इस इमारत में पोजीशंस लिए हुए थे। इसके अलावा अलमनारा सेटलमेंट में भी हिजबुल्ला ने खूब गोला बारूद बरसाया है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों के जवाब में इजरायली सेना भी दक्षिणी लेबनान पर लगातार हवाई हमले कर रही है, और इन हमलों में हिजबुल्ला को भारी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या IDF के ये हमले हिजबुल्ला को रोकने के लिए काफी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हिजबुल्ला भी IDF पर उतनी ही ताकत से हमले कर रहा है। और पूरे संघर्ष को लेकर अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि इसराइल का इलाके में हिजबुल्ला और हमास के खिलाफ पूर्ण विजय का बयान एक खतरनाक धमकी है। मैगजीन का कहना है कि इसराइल के युद्ध में जो उद्देश्य है वो अधिकतमवादी और पहुंच से बाहर है, और हिजबुल्ला इस बात को बखूबी समझता है कि वो लंबे वक्त तक एक पारंपरिक सेना से ज्यादा बेहतर तरीके से इसराइल से लड़ सकता है। और मैगजीन का ये भी कहना है कि अगर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच सीधा युद्ध हुआ तो इसमें इराक और सीरिया के लड़ाके भी कूद पड़ेंगे, जो आखिरकार इसराइल के लिए एक बुरा सपना साबित हो सकता है। और अमेरिका भी इस युद्ध में कूद पड़ेगा, जिससे मिडिल ईस्ट के हालात और खराब हो जाएंगे। मैगजीन का कहना है कि हिजबुल्ला को लेकर इसराइल की बार बार युद्ध की धमकी ये दिखाती है कि वो हिजबुल्ला के लड़ाकों को बॉर्डर इलाके से पीछे धकेलना चाहता है। हालांकि इस तरह की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं।